एक और शहर, एक और बुलडोजर की दहशत। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ भारत की बात के साथ शोभना यादव। कानपुर पर दंगे का दाग लगाने वालों में एक दहशत है, क्योंकि बुलडोजर की आहट सुनाई देने लगी है। कानपुर में पुलिस ने दंगाइयों के पोस्टर्स चिपकाए, गिरफ्तारियां की। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के काजी बौखला गए और विवादित बयान दे डाला। भविष्य में यूपी के किसी शहर में ऐसा ना हो, इसलिए यूपी प्रशासन कार्रवाई को विस्तार देने के प्लान में जुटा है और आहट बुलडोजर चलने की भी है। लेकिन बुलडोजर की आशंका भर से कानपुर के काजी हाजी अब्दुल कुदूस धमकी पर उतर आए। कार्रवाई हो रही है, 90% 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे हम। ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो गई, हो रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई का काम पहले से ही जारी है और अब इसमें तेजी लाई जाएगी, क्योंकि अवैध इमारतों से भी हिंसा के दौरान पत्थर फेंके गए थे। एक प्रॉपर रूप से हम लोग इसको सुनियोजित वे में आगे लेके जाएंगे और यहाँ जो भी अवैधानिक निर्माण है उस पर कार्रवाई करेंगे, कस के कार्रवाई करेंगे। यूपी पुलिस ने जो पोस्टर कानपुर की सड़कों पर चस्पा किए थे, उसका असर अब आरोपियों की गिरफ्तारी में दिखने लगा है। 50 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कई आरोपी खुद सरेंडर करने हवालात पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी बाकी है। इसमें गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज होंगे और उसके बाद से हम कुर्क भी करेंगे, और इन्होंने अगर कोई अवैध संपत्ति अर्जित की होगी तो उसका ध्वस्तीकरण भी होगा। जो डैमेज इन्होंने पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को किया है, उसका भी आकलन हम राजस्व विभाग से करा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कानपुर की हिंसा के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई, तो वहीं कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव चौधरी ने हिंसा के तार PFI से जोड़े। द्रोह के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है। डगरदी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे, और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। SI हमेशा लोगों को भड़काती रहती है, तिरंगा का अपमान करो, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, वर्ष दुर्गा एक बहाना है, और जगह जगह ये दंगे करा रहे हैं, वहाँ भी निपुरी शर्मा का बयान काम आ रहा ना। वहीं यूपी पुलिस ने भी खुलासा किया है कि कानपुर में हुई हिंसा को हवा देने के लिए बाहरी लोग भी जुटे थे। कुछ पत्थरबाज दूसरे जिले से पहुंचे थे। ABP News आपको रखे आगे।